ओके जी, पिछले वीडियो में हम किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा की डेवलपमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। बहुत आसान से कोई दो चार क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं वो देख लेते हैं। आपको बताया था मैंने कि किडनी जो है वो हमारे पास क्या करती है, एसेंट करती है, यानी ये ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। पहले पेल्विक रीजन में होती है, बाद में क्या चली जाती है, क्रेनियली चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि जिनमें ये एसेंट नहीं होती, यानी ऊपर नहीं जाती और पेल्विक रीजन में ही रह जाती है, ऐसी किडनी को हम क्या बोलते हैं, पेल्विस किडनी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी किडनी को क्या बोलते हैं, पेल्विस किडनी। कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी जो है ऊपर जब इसने जाना होता है तो इसके जो लोअर पोर्शंस होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐसी किडनी के जिसमें लोअर पोर्शन ड्यूरिंग एसेंट या ऊपर जाते हुए जो इसके लोअर पोर्शन फ्यूज हो जाएं, ऐसी किडनी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्सशू शेप किडनी, ठीक है। हॉर्सशू शेप किडनी बोलते हैं ऐसी किडनी को हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि जब किडनी पेल्विस रीजन में होती है तो किडनी को जो सप्लाई करती हैं वो हमारे पास होती हैं पेल्विक ब्रांचेस ऑफ एओटा, ठीक है। जबकि किडनी जब ऊपर चली जाती है तो हायर लेवल की आर्टरी सप्लाई करती हैं और ये वाली आर्टरीज डीजेनरेट होती हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये आर्टरीज डीजेनरेट नहीं होती, इनको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी किडनी रीनल आर्टरीज, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी रीनल आर्टरीज। इन्होंने नॉर्मली तो डीजेनरेट होना होता है लेकिन कुछ कंडीशंस में ये नहीं डीजेनरेट होती, ठीक है। ये दो तीन क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं जो हमें बताए गए हैं। किडनी अगर अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं जाएगी तो उसको पेल्विस किडनी बोलेंगे। अगर इसकी शेप चेंज हो जाएगी, लोअर इन्फ्यूज हो जाएंगे तो दैट इज हॉर्स किडनी शेप किडनी। और अगर आर्टरीज जो हैं ऊपर जाने की वजह से नीचे वाली आर्टरीज डीजनरेट होती हैं, नहीं होती, तो उनको बोलते हैं एसेसरी रीनल आर्टरीज, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्लैडर डिफेक्ट्स। अच्छा, ब्लैडर डिफेक्ट्स जो है वो मोस्टली डिपेंड कर रहे होते हैं, आपको बताया था कि ये जो ब्लैडर है ये एलेंटॉइस की मदद से किसके साथ अटैच हुआ होता है, अम्बलाइकस के साथ। और फिर ये भी बताया था कि ये एलेंटॉइस बाद में क्या होता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है। ये एलेंटॉइस क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ये एलेंटॉइस का जो ल्यूमन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये एक अम्बलाइकल मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट की मदद से, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट की मदद से किसके साथ अटैच हुआ होगा, अम्बलाइकस के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, ऐसी अबनॉर्मैलिटीज होती हैं कि ये ल्यूमन ऑब्लिटरेट नहीं होता। जब ये ऑब्लिटरेट नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यूरिनरी ब्लैडर में क्या आएगा, यूरिन, तो वो इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, अम्बलाइकस, और अम्बलाइकस से क्या एक्सक्रीट होगा, यूरिन, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनके अंदर ये ल्यूमन ऑब्लिटरेट नहीं होता, ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं यूराइकल फेस्टिवला, ठीक है। ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, यूराइकल फेस्टिवला, ठीक हो गया, जब ये ल्यूमन ऑब्लिटरेट नहीं हुआ। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास क्या है, एलेंटॉइस के थ्रू मीडियन अम्बलाइकल के साथ अटैचमेंट हुई है, इसमें कभी ऐसा होता है कि हमारे पास किसी एक पोर्शन में, इसकी किसी एक पोर्शन में डायलिटेशन हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये एक पोर्शन एक्स्ट्रा डायलेट हो जाएगा तो यहाँ पर एक सिस्ट बन जाएगी, ठीक है। ये ऊपर अम्बलाइकस है और नीचे क्या है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर, और ये एक पोर्शन जो है वो डायलेट हो गया है एलेंटॉइस का और वहाँ पर सिस्ट बन गई है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेकल यूराइकल सिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूराइकल सिस्ट। और एक और कंडीशन होती है कि जिसमें बाकी सारा जो एलेंटॉइस का ल्यूमन है वो तो ऑब्लिटरेट हो जाता है लेकिन जो अपर पोर्शन है वहां पर एक अपर पोर्शन जो है वो नहीं डायलेट होता, ठीक है। नीचे की हमारे पास मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट भी बन जाता है, ये यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, लेकिन जो अपर पोर्शन है ना वो परसिस्ट कर जाता है, जो कैविटी होती है ल्यूमन कैविटी वो ऑब्लिटरेट नहीं होती, ये अपर पोर्शन परसिस्ट करता है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेकल साइनस, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरेकल साइनस। तो ये दो तीन कंडीशन हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं इसकी ऑब्लिटरेशन पे। अगर तो ये कंप्लीटली ऑब्लिटरेट नहीं होगा तो इसको हम बोलेंगे यूरेकल फेस्टिवला। अगर इसके कोई एक पोर्शन एक्स्ट्रा डायलेट हो जाएगा, वहां पर सिस्ट क्रिएट हो जाएगी, इसको बोलेंगे यूरेकल सिस्ट। और अगर ऐसा है कि नीचे से तो ऑब्लिट्रेशन हो गई लेकिन अपर पोर्शन में ऑब्लिट्रेशन नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेकल साइनस। एक और बहुत ज्यादा मतलब कॉमन डिजीज है जो देखा गया है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लडर, ठीक है। एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लडर में बच्चों आपने ये याद रखना है कि जो ब्लडर का म्यूकोजा है ना वो एक्सपोज्ड होता है, ब्लडर का जो म्यूकोजा है वो क्या होता है, एक्सपोज्ड। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास बनने होते हैं ना लेटरल बॉडी वॉल के फोल्ड्स, ठीक है, लेटरल बॉडी वॉल के फोल्ड्स जो बनने होते हैं जिन्होंने आगे से बॉडी को कवर करना है वो ही नहीं सही तरह से डेवलप होते, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूकोजा जो है वो एक्सपोज्ड हो जाता है और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लडर। इसकी जो है वो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं कि हमारे पास जो ब्लडर का म्यूकोजा है वो सारे का सारा नजर आ रहा होता है क्योंकि इसके ऊपर जो लेटरल बॉडी वॉल बननी थी या फोल्ड्स बनने थे वो नहीं बने और इसको कवर नहीं कर सके। ये एक्सट्रॉफी क्लोइका में भी देखी जाती है कि क्लोइका में भी कभी कभी ऐसा होता है कि उसका म्यूकोजा एक्सपोज हो जाता है जिसकी वजह से एंटीरियरली यूरोजेनिटल साइनस और पोस्टीरियरली एनल केनाल दोनों
इफेक्ट होती है और इस तरह से जो है वो कंडीशन अपीयर होती है. तो ये तीन चार हमारे पास जो है वो ब्लैडर और किडनी के क्लिनिकल कोरिलेट्स थे. कुछ और एबनॉर्मेलिटीज़ हैं किडनी की डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो मैं आपको बताती हूँ. क्रॉस पेपर्स में वो इसे हमने पढ़ी हुई हैं. उनमें हमारे पास एक जो है मोस्ट कॉमन होता है विल्म्स ट्यूमर. ठीक है, विल्म्स ट्यूमर क्या होता है? किडनी के कैंसर को. ठीक है बच्चों, किडनी के जो कैंसर है ना, या किडनी में कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुए हैं, कार्सिनोमास प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर ऑफ किडनी. ठीक है, कैंसर ऑफ किडनी. अच्छा, ये कैंसर जो होता है किडनी में मोस्टली ये क्यों होता है? एक जीन होती है जिसे हम कहते हैं VT1 जीन. ठीक है, वैसे जो जीन्स वगैरह की म्यूटेशंस होती हैं ये MBBS के लेवल पे तो ज़रूरी नहीं है, FCPS के या स्पेशलाइजेशन जब हम करते हैं तो उस टाइम जो है वो ये आनी चाहिए. VT1 एक जीन है, उसमें म्यूटेशन होती है अगर एबनॉर्मल मैस ऑफ ग्रोथ तब स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा? विल्म्स ट्यूमर क्रिएट हो जाएंगे विद इन किडनी. इसकी वजह से काफ़ी और एसोसिएटेड डिजीज़ होते हैं जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है, यानी और ज़्यादा कंडीशंस दूसरे भी काफ़ी फीचर्स को डिस्टर्ब करती है. मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाती है या गोनाडल ब्लास्टोमास वगैरह फॉर्म होते हैं हमारे पास. ठीक है बच्चों, ये एक वोमेन सी बिल्कुल आम सी चीज़ थी. एक और हमारे पास दो तीन टर्म्स यूज़ होती हैं. एक हमारे पास होती है रीनल एजेनेसिस. ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है? रीनल एजेनेसिस. और एक होती है रीनल डिसप्लेजिया. रीनल डिसप्लेजिया. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है हमारे जहन में फ़ौरन क्या आ जाता है? विदाउट. ठीक है, एजेनेसिस का मतलब क्या होता है? विदाउट. ठीक है, रीनल एजेनेसिस ऐसी कंडीशन है कि जिनमें किडनी डिवेलप ही नहीं होती, होल किडनी विदाउट या एबसेंट. ठीक है, तो किडनी क्या हो जाती है ऐसी कंडीशन में? एबसेंट. अब ये दो तरह से हो सकती हैं, यूनिलेटरल भी हो सकता है यानी शायद एक किडनी एबसेंट हो, और बहुत ज़्यादा लेस कॉमन जो है वो बायलेटरल रीनल एजेनेसिस भी देखा गया है कि जिसमें दोनों की दोनों किडनीज जो हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं. ठीक है बच्चों, तो और एक हमारे पास दूसरी जो टर्म मैंने आपको बताई है वो क्या है? रीनल डिसफेजिया. रीनल डिसफेजिया का मतलब होता है किडनी तो प्रेजेंट है. ठीक है, किडनी तो प्रेजेंट है लेकिन किडनी के किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी लेवल पे, यूरेटर पे या रीनल पेल्विस पे या यहाँ पे जो आपके पास पूरा कलेक्टिंग सिस्टम बन रहा था उसमें किसी भी जगह या किसी भी स्ट्रक्चर की क्या देखी गई है? मैल फॉर्मेशन. ठीक है, सो किसी एक स्ट्रक्चर की मैल फॉर्मेशन जब हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे रीनल डिसप्लेजिया, और अगर किडनी एबसेंट होगी तो उसको बोलेंगे रीनल एजेनेसिस. जबकि विल्म्स ट्यूमर क्या है? कैंसर ऑफ किडनी है जो VT1 जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है. देन इसी अगर रीनल डिसप्लेजिया कोई, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, रीनल डिसप्लेजिया में वो कहता है एक टर्म, एक चीज देखी गई, उसे हम बोलते हैं, उस ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल या मल्टी सिस्टिक डिसप्लास्टिक किडनी. मल्टी सिस्टिक डिसप्लास्टिक किडनी. ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है मल्टीपल सिस्ट बनेंगी किडनी के अंदर. ठीक है, ये किडनी है तो किडनी के अंदर ना यहाँ पर मल्टीपल सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगी. अब वही बात आ जाती है कि किडनी तो है लेकिन किडनी के किसी एक स्ट्रक्चर की नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं हुई है, एबनॉर्मैलिटी आ गई है. रीनल डिसप्लेजिया की ही एक एग्जाम्पल है मल्टीपल या मल्टी सिस्टिक डिसप्लास्टिक किडनी. इस कंडीशन में होता क्या है कि किडनी में मल्टीपल सिस्ट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं. किडनी को सराउंड किया हुआ होता है, किडनी की जो डक्ट्स है ना इनको अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स आके सराउंड कर लेते हैं. ठीक है, आपको पता है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल की जहाँ भी ग्रोथ होती है देन एट दी एंड वो कार्सिनोमा की तरफ ही चला जाता है. ऐसी कंडीशन में जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा सिस्ट बन रही होंगी, नेफ्रोन्स हमारे पास डिवेलप नहीं होंगी. ठीक है, नेफ्रोन्स डिवेलप नहीं होंगी. असल में नेफ्रोन्स नहीं बनी होंगी ना, तो जो नेफ्रोन्स का मेजर पोर्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह वो भी नहीं बनी होंगी. और इसकी रीज़न क्या है कि जो यूरोटेरिक बर्ड था ना, हमारा यूरोटेरिक बर्ड था दैट इज़ फेल टू डेवलप. ठीक है, अब आपको पता है कि जो किडनी थी मीजोनेफ्रिक डक्ट्स थी, मीजोनेफ्रिक डक्ट्स में से एक यूरोटेरिक बर्ड निकलता था और ऊपर हमारे पास क्या था? मीजोनेफ्रिक टिश्यू. और इस तरह हमारे पास किडनी डेवलप हो रही थी. सो किडनी डेवलपमेंट की दो चीज़ें थी, यूरोटेरिक बर्ड और ऊपर पड़ा मीजोनेफ्रिक टिश्यू. जब ये यूरोटेरिक बर्ड ही डेवलप नहीं हुआ, एक वही बात आ गई कि रीनल डिसप्लेजिया क्या होता है कि जब किडनी की कोई एक स्ट्रक्चर नॉर्मली डेवलप ना हो, उसकी मैलफॉर्मेशन देखी जाए, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यूरोटेरिक बर्ड डेवलप नहीं हुआ. जब यूरोटेरिक बर्ड नहीं बना तो कलेक्टिंग डक्ट्स भी नहीं बनी, नेफ्रॉन भी नहीं बनी, तो यहाँ पर यूरोटेरिक बर्ड कंप्लीटली अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में डेवलप नहीं हुआ और यहाँ पे ये मल्टीपल सिस्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में. ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे मल्टीसिस्टिक डिसप्लास्टिक किडनी. देन हमारे पास पॉलीसिस्टिक एक डिजीज है,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोलीसिस्टिक कंजेनिटल, पोलीसिस्टिक डिजीज होता है, ठीक है, पोलीसिस्टिक डिजीज। इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि क्या बन रही है, बहुत ज्यादा सिस्ट बन रही हैं, ठीक है। इस सिस्ट फॉर्मेशन दो तरह से हो सकती है, या तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, ठीक है, या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, तो जो सिस्ट बन रही है वो कहाँ से बन रही होंगी, कलेक्टिंग डक्ट से। कहाँ से बनेंगी सिस्ट, कलेक्टिंग डक्ट से बनेंगी, और बहुत ही अर्ली लेवल पे इसमें क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर, इन्फेंसी में ही क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर, यानी चाइल्डहुड में ही। अगर ये डिजीज हमारे पास पोलीसिस्टिक डिजीज, इसका मतलब भी वही है कि हमारे पास किडनी के अंदर सिस्ट बन रही है, अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो जो सिस्ट आपके पास बन रही है वो ऑल पार्ट्स ऑफ नेफ्रोन से बनेंगी, ठीक है। नेफ्रोन के सारे पार्ट्स से सिस्ट बनना स्टार्ट हो गई हैं, और इसमें रीनल फेलियर इन्फेंसी में नहीं होगा, ठीक है। एडल्ट लेवल पे आके रीनल फेलियर हो सकता है। ये जो डिजीज है हमारे पास पोलीसिस्टिक डिजीज, ये क्यों होता है, उसकी एक उसने रीजन बताई हुई है कि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्होंने सीलिया बनाना होता है, ठीक है। सीलिया मेकिंग जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर क्या आई होती है, म्यूटेशन। उस म्यूटेशन की वजह से हमारे पास सिस्ट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसी डिजीजेस को जो इन मतलब ये जो है एक डिजीज ऑफ क्लास से रिलेट करती है, जिन्हें हम कहते हैं सीलियोपैथीज, ठीक है। सीलिया की फॉर्मेशन में कहीं पर भी डिस्टर्बेंस आ गई तो उससे ये सारे डिजीज हो गए। शायद ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है, वैसे ये है नहीं। रीनल एजेनेसिस का मतलब है किडनी एब्सेंट है, रीनल डिस्प्लेजिया का मतलब है किडनी तो है लेकिन उसका कोई एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली या नॉर्मली डेवलप नहीं हुआ। उसकी एक कंडीशन हमने देखा मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, कि जिसमें यूरोटेरिक बर्ड नहीं बन रहा था, यूरोटेरिक बर्ड नहीं बन रहा था तो कलेक्टिंग सिस्टम नहीं, कलेक्टिंग सिस्टम नहीं तो डक्ट्स भी नहीं बनेंगी, यहां पर जो है वो अबनॉर्मल मास ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक और डिजीज है जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल पॉलीसिस्टिक डिजीज। कंजेनिटल है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव है तो सिस्ट्स कहां से बनेंगी, कलेक्टिंग डक्ट से। बहुत अर्ली एज में रीनल फेलियर हो जाएगा, और अगर डोमिनेंट है तो सिस्ट्स कहां से बनेंगी, तमाम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से, और उसकी वजह से रीनल फेलियर जो है बहुत जल्दी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। हुई क्यों है, एक जो सीलिया बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाती है, और ऐसी एबनॉर्मैलिटीज को एनोमलीज को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सीलियोपैथीज। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल क्या थी, नॉर्मेलिटीज थी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर रिलेटेड।